नमस्कार मित्रों, मैं अभय गोयल और आप सभी का स्वागत है क्रेजुअल्स के इस हिंदी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो है कि आप अपने मोबाइल पे कैसे कैसे जो है वाईफाई का जो आइकन है उसे हाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जो नॉर्मल जो यहाँ जो वाईफाई रहती है आप इसे कैसे हाइड कर सकते हैं आज हम वो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कैसे अपने वाईफाई के आइकन को छुपाएं तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले आपको बता दूं कि आप सभी ने अगर हमारे इस क्रेजुअल्स के हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रेड कलर के बॉक्स पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें रोजाना आपके लिए कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स देते हैं जो कि आपकी अपनी भाषा हिंदी लैंग्वेज में होती है, बिल्कुल फ्री होती है। तो बिना वक्त गवाए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको रोजाना एक टेक वीडियो देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होती है, तो सब्सक्राइब करने से आपको जो है उनका नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ एक रेड कलर का सब्सक्राइब बॉक्स देख सकते हैं, आप यहाँ क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं एक रेड कलर का छोटा सा एक आइकन है, आप यहाँ क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का ये वीडियो। तो आते हैं दोस्तों हम सबसे पहले अपने मोबाइल पे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको जो है एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। इस एप्लीकेशन को जो नाम है वो है क्लीन स्टेटस बार। तो देखिए, यहाँ मैं क्लीन स्टेटस बार जो टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में जो है आपकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो है यहाँ मिल जाती है। तो आपको जो फर्स्ट में जो है हमें एक ये वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, क्लीन स्टेटस बार डेवलपर, जो मात्र जो है 1 MB की जो है आपकी ऐप है और काफ़ी जो है यूजफुल ऐप है। इसे हाइड करने से पहले तो हमें आपको आप बता दूं कि आप इसे क्यों हाइड करें। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी का जो वाईफाई आप उसे हैक करके चला रहे हैं जो कि इलीगल चीज़ है, तो आप उसे हैक करके चला रहे हैं, तो अगर आप उस जगह पे हैं और आप किसी को नहीं दिखाना चाहते कि आप वाईफाई या नेट का यूज कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ में यहाँ आइकन को हाइड कर सकते हैं एंड उसके जगह जो है मोबाइल डाटा का जो आइकन है उसे यूज कर सकते हैं। एंड इसके अपने फ़ायदे भी हैं, जैसे कि अगर आप किसी कॉलेज वगैरह में हैं एंड वहाँ जो एक टाइमिंग रहती है कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक जो है इंटरनेट को जो यूज़ कर सकते हैं, एंड जो आप एक्स्ट्रा टाइम अगर इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे जो है आइकन को उसका हाइड करके उसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरह ही अपनी अपनी बातें। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ इसे ओपन पर क्लिक करते हैं। जैसे ओपन पर हम क्लिक करेंगे देख सकते हैं कुछ जिसका इंटरफेस है वो इस तरह का है। जो स्टेटस बार है सबसे पहले आप इसे ऑन कर लें। ऑन करने के बाद जो है अगर पीछे में आप क्या बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो देख सकते हैं जो हम जो बैकग्राउंड है आप इसे कोई भी इसका कलर डाल सकते हैं। एंड जो है वाईफाई आइकन आप इसे शो कर सकते हैं, आप इसे ऑफ कर सकते हैं। एंड जो नेटवर्क आइकन है तो आप उसकी जगह पे है यहाँ पर आपको करना क्या है कि दोस्तों, जो वाईफाई का आइकन है जैसे कि ये वाईफाई का आइकन अभी ऑफ है, ऑन है, तो आप इसे क्या है ऑफ कर दीजिए इसके आइकन को। और इसके जगह पे जो है आप कोई भी एक जो है GPRS या कोई भी जो है 4G 3G जो है यूज कर सकते हैं। इसका एक और फायदा है दोस्तों, अगर आप देखिए 4G क्लिक करते हैं LTE तो इसमें आप एक रैंक तरह से कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि मैं 4G चला रहा हूँ, तो जो है ये एक फेक है, वैसे एक जो है प्रैंक करने की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। एंड जो है जो GPRS ऑन ऑफ करने का जो है कर सकते हैं, जो आप टाइम वगैरह जो है इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी आप इसमें टाइप चाहे कर सकते हैं। तो सिंपली आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मेरा जो है वाईफाई था वो अभी मैं कनेक्टेड हूँ। यहाँ अगर मैं वाईफाई में सेटिंग से दिखाऊँ तो जैसे जो क्रेजुअल्स नाम का वाईफाई है यहाँ मैं देख सकते कनेक्टेड हूँ, बट जो है यहाँ मेरे को किसी भी तरह का जो है वाईफाई वो नहीं दिख रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको जो मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप हमारे चैनल क्रेजुअल्स पर जरूर विजिट करें एंड उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसमें आपके लिए रोजाना एक कंप्यूटर मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि आपकी अपनी भाषा हिंदी लैंग्वेज में होती है। और जो हम दोस्तों हर एक वीकेंड पे इस पर गेम प्ले भी जो है खेलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो है एक फर्स्ट जो है गेम प्ले भी किया है। तो हर एक वीकेंड पर जो है हम यहाँ आपको एक गेम प्ले की वीडियो भी देते हैं जो कि कोई कार रेसिंग की होती है या कोई एक इंटरेस्टिंग सी मज़ेदार गेम होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलेगा। और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए क्रेजुअल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।